शांति। आज की तारीख है 26/3/23 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 1/2/94 की यह मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले कि आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि के द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो, इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं। लेकिन क्या होगा, धारण करना इसमें नंबर वार बन जाते हैं और नंबर वन बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म वा वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाती है। अच्छा, अब हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा का याद प्यार। तो चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत के द्वारा बाप की मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम
रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने के प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहो तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई भी रोक नहीं सकता। स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।